बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना चैनल वर्ल्ड ऑफ इस्लामिक सॉल्यूशन। आपके लिए दुआओं का खसूसी तौर पर अहतमाम किया गया है। जो भी हवातीनों हज़रात दुआ के लिए अपना नाम देना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम दे सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला खसूसी तौर पर उनके लिए दुआ की जाएगी। आज मैं जो आपके साथ अमल शेयर करना चाहती हूँ ये कुरान पाक की 4 आयात पर मुश्तमिल है और ये ऐसी 4 आयात हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी के हालात मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इस अमल से इतनी दौलत आएगी कि आपकी किस्मत चमक उठेगी। हकीम साहब फरमाते हैं कि एक आदमी मेरे पास आया, वो सख्त डिप्रेशन का शिकार था और इतना हद तक मायूस हो चुका था कि उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया हुआ था। ना उसको कोई खाने की गर्ज थी ना पीने की गर्ज थी, अलगर्ज उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। बहुत ज़्यादा उसकी बीमारी जो है हद से निकल गई हुई थी। तो मैंने उसको सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात अफहसिबतुम से शुरू होकर राहिमीन पे ख़त्म होती हैं, मैंने उसको सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ने के लिए दी कि तुम जितना दिन में इसको खुला पढ़ सकते हो पढ़ो। उस आदमी ने पढ़ी और जब कुछ अरसे बाद मेरी उससे मुलाकात हुई तो उसने कहा कि हकीम साहब, मुझसे ज़्यादा खुशहाल भी कोई नहीं और मुझसे ज़्यादा पुरसकून भी कोई नहीं। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी से हमें इस अमल की मिसालें मिलती हैं। सहाबा फरमाते हैं कि हम जब भी किसी गज़वा में जाते थे तो हमें फतह नसीब होती थी और हमें माले गनीमत, ख़ास तौर पर जिसका वो ज़िक्र करते हैं कि हमें माले गनीमत बहुत ज़्यादा हाथ आता था। और इसकी वजह ये थी कि हम सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात का विर्द करते रहते थे। तो जो ताकत हमने इन आयात में पाई है इससे इसका मतलब है कि इससे अगर आम इंसान भी इसको पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा माल और दौलत हासिल होगा और अल्लाह पाक उसके रिज्क में बेपनाह इजाफा फरमाएंगे। हकीम साहब फरमाते हैं कि मुझे एक आदमी मिला, उसकी इतनी गुर्बत थी उसके जो घर में, और वो कहता था कि बस भूख ही भूख है और इसके अलावा भी इतने मसाइल हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। हमारे घर में बीमारी भी बहुत ज़्यादा है और मसाइल और मुश्किलात ऐसी हैं जो हल होने का नाम नहीं लेती। हकीम साहब कहते हैं उसके हालात मेरे सामने थे, मैंने उसको कहा कि आप और आपके सब घर वाले पागलों की तरह सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ें, इंशाअल्लाह ताला चंद हफ्ते चंद महीने ये अमल करने से अल्लाह पाक आपकी गुर्बत भी ख़त्म कर देगा, आपके घर से बीमारी भी ख़त्म हो जाएगी और अगर कोई नज़रे बद या जादू के असरात हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो आपकी ज़िंदगी की मुश्किलात और मसाइल हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी हल हो जाएंगे। हकीम साहब कहते हैं उस शख्स ने ये अमल किया, मेरी बात उसने मानी और पागलों की तरह उन सब ने पढ़ा और वाकई अल्लाह पाक ने कुछ अरसे में उनके हालात बदल दिए। सुभान अल्लाह। व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।